दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपको कुछ वीडियोस वायरस और एंटीवायरस से रिलेटेड दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था वायरस क्या होता है, वायरस किस तरीके से फैलता है, वायरस कौन बनाता है, वायरस को फैलने से किस तरीके से रोका जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा बेस्ट है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको उन सारे वीडियोस में दी थी। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे, मींस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरीके से उसे एक्टिवेट किया जाता है, किस तरीके से उसे सरेंडर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले, आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, ताकि आपको पता चले किस तरीके से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है और सरेंडर किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ वो है क्विक हिल का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक इंस्टॉलेबल फाइल है, इसे डबल क्लिक करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई सीडी से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहोगे तो सबसे पहले हमें सीडी ड्राइव में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सीडी को डालना होगा। उसके बाद जो है वो ऑटो रन हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद जो है यहाँ पर हमें इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। तो हम उस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसे कंप्लीट देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ किस तरीके से इसे इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले हम जैसे इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक कुछ लाइसेंस इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ये सारी रीड करने के बाद, इसे आप केयरफुली रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बॉटम में एक आई एग्री का एक बटन होता है, तो यहाँ पर हमें चेक मार्क करना है इसे। तो चेक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में दो बटन हमें नज़र आ रहे हैं, नेक्स्ट है और कैंसिल है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे इसे, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें वो इंस्टॉल लोकेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इंस्टॉल लोकेशन में ये बताना होता है कि कहाँ उसे कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना है, वो क्या पाथ होना चाहिए जहाँ पर हमें उसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आप जो भी आपकी मर्जी यहाँ पर आप सेट कर लीजिए, या बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक नज़र आता ही है वही रहने दीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम बॉटम में आएंगे, यहाँ पर तीन बटन हमें नज़र आ रहे हैं, बैक है, नेक्स्ट है और कैंसिल है। तो यहाँ पर इसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद जो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इसे कुछ वक्त लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो दोस्तों, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड एक मैसेज हमें आएगा और यहाँ पर नीचे दो बटन हमें नज़र आएंगे। हम यहाँ पर इसे बॉटम में देख सकते हैं, दो बटन यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक बटन जो है वो रजिस्टर नाउ है और एक रजिस्टर लेटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, अभी इसे एक्टिवेट किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे अभी एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन एक्टिवेट करोगे तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है, तभी आप उसे ऑनलाइन एक्टिवेट कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर जो रजिस्टर नाउ है इस बटन को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक सजेशन हमारे लिए आ रहे हैं कि आपको मतलब एक ऑलरेडी एक की जो है यहाँ पर फाउंड की गई है, तो क्या आपको उसी से रजिस्टर कर लेना है क्या। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, आपको बताने के लिए मैंने इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इसे इंस्टॉल किया है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में वो डिटेल्स होती है, तो इसके लिए उसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें सजेशन दिया। तो चलिए हम यहाँ पर उसके बाद जो है अगर इस तरीके से मैसेज नहीं अगर आता तो सिंपल यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है, यहाँ जहाँ पर हमें उस हमारी प्रोडक्ट की को हमें डालना होता है। तो दोस्तों, आप जब भी मार्केट से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को खरीदोगे तो उस खरीदने के बाद जो हमें सीडी का जो रैपर होता है, सीडी का जो बॉक्स होता है, उसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की लिखी होती है, तो वो प्रोडक्ट की जो है यहाँ पर हमें डालनी होती है। डालने के बाद जैसे आप जो है उसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर फिलहाल अभी बॉटम में हम कुछ बटन हम देख सकते हैं, रजिस्टर नाउ एंड नो,
तो यहाँ पर हम चलिए इसे मैं रजिस्टर नाउ कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इसे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ वक्त की प्रोसेस वो लेगा यहाँ पर, और कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर लाइसेंस से रिगार्डिंग देख सकते हैं, और उसके बाद हम करेंगे इसे नेक्स्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो है ये एक्टिवेशन जो है प्रोसेस होने के बाद जो है एक मैसेज हमें नज़र आएगा, एक्टिवेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो दोस्तों इस तरीके से हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से सरेंडर किया जाता है। इससे पहले मैं आपको सरेंडर का मीनिंग बता देता हूं। यहां पर किसी सॉफ्टवेयर को जब आप मार्केट से परचेस करते हो, परचेस करने के बाद उसे एक्टिवेट कर लेते हो, तो इसकी जो लाइसेंस की डिटेल्स होती है वो कंपनी तक पहुंच जाती है और हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिवेट होकर चलने लगता है। लेकिन इन केस अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं पर भी किसी रीजन से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम आने के बाद अगर आपको उसे फॉर्मेट करना है या फिर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालने की जरूरत पड़ जा रही है, तो दोस्तों ऐसे में आपको उस लाइसेंस को सरेंडर करना होता है। और सरेंडर की जो प्रोसेस होती है वो हर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया है, क्विक हिल एंटीवायरस प्रो, तो दोस्तों ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसमें सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके कंप्यूटर को आपको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ रही है तो सिंपली आप इसे इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की डिटेल्स को कॉपी कर लीजिए, और लाइसेंस की डिटेल्स कॉपी करने के बाद जो है सिंपल इसे आप दोबारा जब आपका कंप्यूटर रेडी हो जाएगा तो उसे आप इंस्टॉल कीजिए उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को और दोबारा एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपका वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोबारा पहले की तरह चलने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, अगर किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में सरेंडर की फैसिलिटी है और आपको नहीं पता है वो कहाँ है, तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ उसे कहाँ आप ढूंढ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्विक हिल जो इंस्टॉल किया है उसे मैं यहाँ से नोटिफिकेशन से ऑन कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्विक हिल है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एक ऑप्शन देखेंगे हेल्प, तो जो हेल्प हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखेंगे, जैसे यहाँ पर अबाउट है, तो जैसे हम अबाउट पर क्लिक करते हैं, अबाउट पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ लाइसेंस की डिटेल्स हमें नज़र आएगी। और दोस्तों अगर उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में सरेंडर की फैसिलिटी है तो डेफिनेटली आपको यहीं कहीं पर आसपास जो है वो सरेंडर करने का बटन जो है वो मिल जाएगा, और आप उस सरेंडर बटन पर क्लिक करके आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो में जो आपको बताया गया है वो आपको सही से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलिए। आपके जो सजेशन है आप इस वीडियो से रिलेटेड और एंटीवायरस से रिलेटेड जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप हमें बताइए, तो हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक की गुड बाय एंड टेक केयर।